आज हमारे बीए की जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए रागांग वर्गीकरण पद्धति पर हम बात करना चाहते हैं। रागांग वर्गीकरण से आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें रागों के संबंध में कुछ बातचीत होगी और इसकी वर्गीकरण पद्धति के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, जैसे जैसे हमारी रागों की संख्या बढ़ती चली गई तो प्राचीन काल से ही इसको थोड़ा सा व्यवस्थित करने के लिए शुरू से ही जो है कई प्रकार की वर्गीकरण पद्धतियों को अपनाया गया। कभी ग्राम राग, उपराग इत्यादि, कभी राग रागिनी वर्गीकरण पद्धति है, जिसमें राग होती थी मेन 6 राग और उसकी कभी 36 रागिनियां, कभी उनके पुत्र, कभी पुत्रवधु, इस तरीके की भी बात सोची गई। और फिर जैसे जैसे मिडिएवल पीरियड हमारा खत्म होने लगा, मध्यकाल खत्म होने लगा, तब हम देखते हैं कि संस्थान नियम आने लगे और संस्थान नियम के बाद 19वीं शताब्दी में भातखंडे जी आए, तो उन्होंने फिर 19वीं या 20वीं शताब्दी में आकर उन्होंने थाट वर्गीकरण पद्धति को प्रचलित किया। अब थाट वर्गीकरण पद्धति का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें जो अवधारणा है, उसमें है कि आपके पास 10 थाट हैं और आपके पास अनगिनत राग हैं, उन रागों को आप लोगों को 10 थाट के अंदर वर्गीकृत करना है। तो ये कैसे करना है, ये तो काम भातखंडे जी करके गए कि कौन से थाट के अंतर्गत कौन सा राग है। और ये थाट किस प्रकार से बने थे, ये थाट बने थे स्वरों के आधार पर, अर्थात कि 7 शुद्ध स्वर का एक थाट बना, फिर उसके बाद में 1 विकृत और बाकी के शुद्ध स्वर का दूसरा थाट बना। इस प्रकार से विकृत स्वरों की संख्या बढ़ती गई और एक एक थाट जो है वो नया सोचा गया। इससे पहले जब राग की अवधारणा की जाती थी तो प्राचीन काल में मूर्छना प्रकरण से रागों को बनाया जाता था। मूर्छना क्या था, अर्थात 7 शुद्ध स्वरों का सीधा सीधा ऊपर जाना और नीचे आरोह करना और अवरोह करना, उसको मूर्छना कहा जाता था। तो उसमें फिर सा को बदला जाता था, अर्थात जो पहला ग्रह स्वर है उसको बदल दिया जाता था। तो सा रे गा मा पा ध नी में जैसे सा ग्रह स्वर है, उसके बाद में रे गा मा पा ध नी सा रे, इस प्रकार का एक मूर्छना बना और जिसमें जो ग्रह स्वर था वो रे था, लेकिन उसका जो पोजीशन था वो वैसा ही था जो पहले पूर्व सारे गामा सा ग्रह वाले मूर्छना में था। तो जिससे क्या होता है कि स्वरों की अंतराल में एक परिवर्तन आता है और इस प्रकार से स्वर कभी जो स्वर सारे गामा सा ग्रह के मूर्छना में जो स्वर शुद्ध लगते हैं, ऋषभ स्वर के ग्रह हो जाने पर आगे के स्वर वहीं विकृत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक नया स्केल, एक नए स्वरों की संरचना हमें प्राप्त होती है और उस संरचना को राग कहा जाता था। तो पर अब बाद में क्या हुआ कि आपके पास में इस मूर्छना पद्धति से जो रागों को आपने पाया, उन रागों के अंदर भी एक दूसरे के रागों के सम्मिश्रण से दूसरे और राग पैदा होते चले गए, इसीलिए बाद में उनको राग रागिनी पद्धति के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। तो उसके बाद में जैसा मैंने कहा कि भातखंडे जी ने बिल्कुल मॉडर्न पीरियड में, आधुनिक काल में आकर उन्होंने क्या किया कि थाट वर्गीकरण पद्धति कर दी, जिसमें कि ग्रह स्वर सा ही रहता है लेकिन हर बार हर स्केल में हम हर पेरेंट स्केल, अर्थात जो थाट स्केल है, थाट का जो स्केल है उसमें विकृत स्वरों की संख्या बढ़ती चली जाती है या अन्य होती चली जाती है। जैसे बिलावल थाट में सारे ही स्वर शुद्ध है, कल्याण थाट में सारे ही स्वर शुद्ध है परंतु मध्यम तीव्र है, एक विकृत स्वर है। उसके बाद में हम आते हैं खमाज, जिसमें एक ही स्वर
विकृत है निषाद, बाकी सभी स्वर शुद्ध। उसके बाद आते हैं जिसमें दो स्वर विकृत है और वो दो स्वर क्या है, रे और धा, तो भैरव ठाट का हमें वो मिलता है, स्केल मिलता है। इस प्रकार से कभी दो, कभी तीन, कभी स्वर रे कोमल, धा कोमल, कभी गा कोमल, नी कोमल, कभी मा तीव्र, इस प्रकार के अलग अलग स्वरों की, विकृत स्वरों की प्रयोग से हमें डिफरेंट डिफरेंट ठाट प्राप्त होते हैं। तो ये सिस्टम था भातखंडे जी का। लेकिन हमारे पास में क्या था कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे राग हमें प्राप्त हो चुके थे और ये जो एक ये जो ठाट पद्धति है ये काफी हद तक एक सिंपल सिस्टम है। इसके अंदर जो सम्मिश्रित राग है, दो तीन चार रागों से के मिश्रण से जो राग बने हैं, उन रागों को किस ठाट के अंतर्गत रखा जाए, इसके बारे में बहुत ज्यादा मतभेद होने लगा। तो पता नहीं चल पाता था कि इस ठाट को किस, इस राग को किस ठाट के अंतर्गत रखी जाए तो वो ज्यादा जस्टिफाइड होगा। जिस प्रकार से आप देख लीजिए राग ललित है, उसमें दोनों ही मध्यम का प्रयोग होता है, परंतु धैवत कोई कहता है कोमल, कोई कहता है धैवत शुद्ध, तो इसमें ये पता चलता है कि कौन सी ठाट के अंतर्गत इसको रख दिया जाए ताकि वो बात जो है जस्टिफाइड हो। इसी प्रकार से कई और ऐसे राग हैं जिन रागों की ठाट के बारे में जो है पूरी तरीके से एक निर्णय नहीं ले दिया जा पाता। तो ऐसे समय में 20वीं शताब्दी में ही ठाट पद्धति के बाद रागांग पद्धति का एक जो है अवधारणा हमें प्राप्त होता है। इसकी प्रतिपादन किसने किया, इसका प्रतिपादन किया श्री नारायण मोरेश्वर खरे। नारायण मोरेश्वर खरे जो थे वो पंडित डीवी पलुस्कर के, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, डीवी पलुस्कर के पिता, उनके वो शिष्य थे और ये खुद एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे और गांधी आश्रम में काम भी करते थे और गांधी आश्रम में वो संगीत के शिक्षक के रूप में काम भी करते थे। तो उन्होंने जो है ये अवधारणा प्रस्तुत की कि राग केवल स्वरों के ऊपर आधारित नहीं होता है। अगर हम सिंपली सा रे गा मा प ध नी पे रे और धा को कोमल कर दें तो राग भैरव होगा, ऐसा नहीं होता है। हमें उसमें जान डालने के लिए उसके अंदर एक, जो एक आपने सुना ही है कि वादी, संवादी और अनुवादी, अनुवादी स्वरों की जो एक समष्टि होती है उसकी वादी के साथ या संवादी के साथ एक जो विशेष स्वरावली बनती है वो उस राग को बनाती है। अर्थात कि आप समझ लीजिए कि केवल हड्डियों का सांचा एक मनुष्य नहीं बन सकता, उसके ऊपर मसल की जरूरत है। तो मसल ही आपको आकार देगा और उस हड्डी के सांचे को भी सही तरीके से खड़े रहने में, मजबूत रहने में सहायक बनता है। ठीक उसी प्रकार आपके पास वादी स्वर है, वादी और संवादी स्वर के बाद जो बाकी के शेष स्वर हैं वो सभी अनुवादी स्वर हैं और वो किसी विशेष प्रकार से वादी स्वर के साथ या संवादी के स्वर के साथ में लगते हैं और जब वो लगते हैं तब वो जाके एक विशिष्ट स्वर समुदाय की को तैयार करते हैं और उस विशिष्ट स्वर समुदाय से राग का भाव जो है वो एक्सप्रेस होता है, व्यक्त होता है। ठीक है, तो हर राग की ये एक विशेष समुदाय बनती है, वही स्वर समुदाय जो है उसको रागवाचक स्वर समुदाय कहा जाता है और उसी स्वर समुदाय को उस राग का अंग कहा जाता है। राग अंग, रागांग क्या हुआ, रागांग शब्द में देखिए दो शब्द हैं,
एक है राग, दूसरा है अंग। अंग उस विशेष राग का जो अंश है वही उसका अंग है। तो राग का जो अंग है उसे रागांग कहा जाता है, और राग का वह अंग जो राग को व्यक्त करता है, राग की अपनी पहचान बनवाता है, राग की एक अपनी शख्सियत तैयार करके आपके सामने खड़ा करता है, उसे रागांग कहा जाता है। और उन्हीं स्वर समुदाय से वो राग बनता है, विस्तारित होता है और अपनी जो एक मंडल बनाती है वो ध्वनि मंडल, वही आपको उस राग के अंदर आपको अपनी बात कहने में, व्यक्त करने में सहायक होती है। तो इस रागांग के जरिए उन्होंने कहा कि देखिए इतने सारे आपके पास राग हैं, परंतु आपने केवल 10 थाट के अंतर्गत इसको विभाजित किया है, जबकि हमारे पास एक ही, मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक थाट में भी 2-3 विशेष बड़े राग हो जाते हैं, और उन 2-3 विशेष राग भी अपने आप से इतने अलग होते हैं कि वो उस थाट का राग है ये ध्यान में नहीं रहता है, वो किसी एक ही पर्टिकुलर राग के, थाट के राग हैं ये ध्यान में नहीं रहता, क्योंकि उन तीनों की ही अलग अलग बहुत स्ट्रांग पहचान बनी होती है। तो इसलिए ऐसे में क्या होता है कि उन तीनों राग के अलग अलग स्वर समुदाय को लेके उसका रागांग बनता है, और उसके भी कई प्रकार के जो है रागों के प्रकार मिल जाते हैं। जैसे आप सोच लीजिए कि काफी थाट है, काफी थाट के अंतर्गत कई राग ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े राग हैं, जैसे दरबारी कानड़ा हुआ, जैसे मल्हार हुआ, जैसे सारंग हुआ। अब अगर आप देखेंगे कि हम कह रहे हैं काफी थाट पेरेंट स्केल है, परंतु इनके जो तीन मैंने राग गिनवाए आपके, इसके इन तीनों रागों के अपने अपने इतने प्रकार हैं कि ऐसा लगेगा जैसे कि दरबारी कानड़ा ही मेन थाट होना चाहिए था, क्योंकि कानड़ा जो शब्द है उस कानड़ा शब्द के लगे हुए आपको कितने ही राग मिल जाएंगे, नाई की कानड़ा, सूहा कानड़ा, आबो की कानड़ा और शाहना कानड़ा, कितने ही कानड़ा के आपको नाम मिल जाएंगे। उसी प्रकार से मल्हार भी एक कॉम्प्लेक्स राग है जबकि, लेकिन अपनी एक अलग पहचान वो रखता है, और उसके भी कुछ स्वर समुदाय इतने स्ट्रांग उसकी पहचान बनाती है कि उसके भी बहुत सारे प्रकार आपको देखने में मिलेंगे। जैसे कि मल्हार, अगर मियां मल्हार, मेन मल्हार अंग के रागों में सबसे प्रमुख राग है मियां मल्हार। उसके बाद आप देखिए सुर मल्हार है, मेघ मल्हार है, देश मल्हार है, कई प्रकार के मल्हार के जो है आपको प्रकार मिल जाएंगे। इसी प्रकार से सारंग, सारंग का भी एक अपना व्यक्तित्व है, अपनी पहचान है, और सारंग के भी कई राग प्रकार मिलते हैं। जैसे कि अगर आप सारंग अंग को देखेंगे तो सारंग अंग के प्रमुख रागों में वृंदावनी सारंग मेन राग माना जाता है, और वृंदावनी सारंग के बाद वही स्वर समुदाय हमें सारंग के दूसरे प्रकारों में, जैसे कि शुद्ध सारंग है, जैसे कि मधुमाद सारंग है, जैसे कि अपना सारंग के जो दूसरे प्रकार हैं नूर सारंग है, उनमें आपको दिखेगा सारंग के वही अंग। मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बताने के लिए कि किस प्रकार से हम एक राग के अंदर स्वर समुदाय से उसके अलग पहचान बनाते हैं, उसकी राग के अंग को पहचान पाते हैं, ये थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैं अभी राग सारंग की बात कर रही थी, और क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में राग सारंग आपने सुन ही सीख ही लिया है, तो मैं राग सारंग का एक थोड़ा सा आपको बताती हूँ। वृंदावनी सारंग नी सा रे मा पा
ये सारंग है, वृंदावनी सारंग है, इसमें जो अलग अलग स्वर समुदाय बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। नि सा रे सा रे रे नी पानी सा रे रे नी रे सा, ये एक खास सारंग का अंग है जो कि आपको हर सारंग में मिलेगा। आप मधुमान सारंग में उसमें शुद्ध निषाद नहीं लगता पर कोमल निषाद लगता है तो भी आप यही स्वर समुदाय को इस्तेमाल करेंगे। और शुद्ध सारंग हुआ उसमें भी नी सा रे सा रे नी पा, अब कैसे वो दूसरा अलग हो जाएगा आप देखिए कि कैसे वृंदावनी सारंग के यही स्वर के साथ में शुद्ध सारंग को अलग करने के लिए क्या खास समुदाय स्वर समुदाय उसमें लगते हैं। जैसे कि हमने वृंदावनी सारंग का समुदाय लिया सा नी सा रे सा रे रे नी नी रे सा, ये हमने किया। उसके बाद पानी रा सा नी रे, इसी से ये शुद्ध सारंग बन जाता है। आगे चल के तो और भी इसमें जो है फर्क है, स्वरों में भी फर्क है, लेकिन ये जो सारंग का मेन नी सा रे सा रे ये जो अंग था ये शुद्ध सारंग में भी लगेगा। ऐसे ही पा म रे रे म पा म रे नी रे, बिल्कुल सारंग का अपना खास एक अंग है, ये स्वर समुदाय उस अंग को व्यक्त करता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि यही स्वर समुदाय मधुमार सारंग में भी प्रयुक्त हो रहा है। तो इस तरह से ये सारंग का जो अंग है आपने समझ लिया होगा। तो ये इसीलिए बताया कि किस तरीके से एक स्वर समुदाय, खास स्वर समुदाय जब दूसरे राग में लगती है तो वो उस विशेष अंग के एक प्रकार बन जाता है। तो हमारे पास 26 रागांग हैं जो नारायण मोरेश्वर खरे जी ने बताए हैं, वो है भैरव, बिलावल, कल्याण, खमाज, काफी, पूर्वी, मारवा, तोड़ी, भैरवी, आसावरी, सारंग, मल्हार, धनाश्री, ललित, पीलू, सोरठ, विभास, नट, श्री, बागेश्री, केदार, शंकरा, कानड़ा, हिंदोल, भूपाली और आसा। देखिए ये 26 अंग उन्होंने बताए थे, परंतु अब जब प्रैक्टिकली हम किसी काम को करते हैं तो हमारी प्रैक्टिकली और भी नई नई चीजें, क्योंकि संगीत जो है वो एक क्रिएटिव आर्ट है और राग इसी प्रकार से क्रिएटिविटी के कारण ही बढ़ते चले गए। तो जब नारायण मोरेश्वर खरे जी ने ये बनाए थे तो उसमें इन 26 अंगों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आज इसको हम कई बार हम सीखते हैं, जब आप एडवांस क्लास करेंगे तो आप भी जानेंगे इसको, कौंस अंग। तो कौंस अंग में मालकौंस जो है वो विशेषतर प्रमुख राग है और उसके अंदर जो रागों की समुदाय बनती है, स्वरों की समुदाय बनती है, तो उन स्वर समुदायों को जब हम दूसरे रागों में पाते हैं तो तब वो कौंस अंग बन जाता है। तो माल कौंस का जो अंग है वो चंद्र कौंस में लगता है, वो जोग कौंस में लगता है, तो उन सभी में माल कौंस का जो ये विशेष तौर पे गामा गासा या गामा धामा गासा का जो एक स्वर समुदाय बनता है। दूसरे राग में भले से जैसे कि आप चंद्र कौंस में देखिए, माल कौंस में नी कोमल होता है पर चंद्र कौंस में नी कोमल नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जो स्वर लगते हैं वो ठीक उसी प्रकार से लगते हैं जैसे माल कौंस में लगते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है ये माल कौंस अंग का राग है, कौंस अंग का राग है। कौन सी कानड़ा, कौन सी कानड़ा भी कौंस अंग का राग है।
जोग जोग एक बिल्कुल ही अलग किस्म का राग है और उसमें कौंस अंग लग के वो जोग कौंस हो जाता है। तो कौंस एक और अंग है। तो ये जो ठाट पद्धति थी इसका यहाँ पर ये चीज भी मैं बता दूं क्योंकि बात ही चल रही है राग वर्गीकरण की। तो जिसमें ठाट पद्धति में क्या था, एक लिमिटेशन था और हमारे आज हम लोग सभी इस बात को अनुमान कर सकते हैं कि उस समय में जब भातखंडे जी आकर हमारे संगीत को दोबारा से व्यवस्थित कर रहे थे तो इतनी अव्यवस्था के अंदर उनको सबसे ज्यादा सिंपल जो प्रोसेस लगा वो ठाट वर्गीकरण पद्धति लगा और उन्होंने उसको सिंपल करने के लिए ही, ताकि जल्दी से जल्दी इंसान इसको समझ ले, शिक्षार्थी इसको समझ ले, इसलिए उन्होंने ठाट पद्धति करी। हालांकि वो राग के इस विशेष अंग के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे और अपने जो सीनियर स्टूडेंट्स थे उनको रागांग के हिसाब से ही उन्होंने राग बताए हैं। उनकी ये सारी बातें, उनकी जो एडवांस टीचिंग्स हैं वो हमें दूसरी जो किताबें हैं उनमें हमें प्राप्त होता है। तो इसलिए रागांग उनके भी, उनको भी मान्य था, लेकिन उन्होंने इस बात को बहुत ज्यादा वो पॉपुलराइज नहीं किया। पॉपुलराइज बाद में हुआ है। और इसमें जो है रागांग में जो है वो एक क्रिएटिव फ्रीडम जो है इंसान को देता है। थाट में लिमिटेशन है। थाट में उन्होंने बता दिया कि यही पेरेंट स्केल है, उसका एक लॉजिक भी है और उसको लगा के आप चलिए। लेकिन जब हम इसमें आ रहे हैं, रागांग में आ रहे हैं, तब एक राग को एक्सप्लोर करते हुए उसकी स्वर समुदाय जब दूसरे में आती है तो हम बिल्कुल एकदम से पहचान पाते हैं कि अच्छा ये तो इस राग में लगता है, तो ये समुदाय इसमें लगा, इसका मतलब ये इसका अंग है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अभी बात करते हुए ही मुझे ध्यान आया कि 26 इसमें रागांग है बताए हैं, जिसमें कौंस अंग उन्होंने बताया ही नहीं, जबकि आज कौंस अंग एक बहुत ही परिचित और बहुत ही पॉपुलर रागांग है संगीत विद्यार्थियों के सामने, शिक्षार्थियों के सामने और संगीत जो करते हैं, गाते हैं, संगीतकारों के सामने। तो इसलिए रागांग पद्धति हमें लगता है कि आज के संदर्भ में बहुत ही एक कारगर वर्गीकरण पद्धति है और इसी के हिसाब से हम रागों को जो है डेलिनिएट करते हैं, मतलब रागों का विस्तार करते हैं, उसके अंग को व्यक्त करते हुए ही राग का एक अपना परिमंडल बनाते हैं, राग की एक अपनी शक्ल, अपनी एक शख्सियत बनाने में हम सक्षम हो सकते हैं। इसीलिए रागांग पद्धति में रागांग जो शब्द है, रागांग को समझिए और रागांग एक इम्पॉर्टेंट तत्व है हमारे राग संगीत का। ये बात आप आगे, और जितना भी आप आगे संगीत सीखेंगे, क्लासिकल रागों को सीखेंगे, तो आपको ये बात भी समझ में आएगी। आज यहीं तक, धन्यवाद।